बच्चों, हमारे ऊपर नीला आसमान है, चारों ओर हरी भरी धरती है, पर क्या तुम जानते हो धरती हरी भरी क्यों दिखाई देती है? पेड़ पौधे हरे होते हैं, जिससे धरती भी हमें हरी भरी दिखाई देती है। वर्षा ऋतु में तो पूरी धरती हरियाली से भर जाती है। ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण धरती ने हरे रंग के कपड़े पहन रखे हो। पेड़ पौधे हमारे जीवन की अनेक जरूरतें पूरी करते हैं। ये हमारे सच्चे मित्र हैं। इनसे हमें बहुत से लाभ हैं। हम सभी जीवित रहने के लिए भोजन करते हैं। अनाज, दालें, हरी सब्जियां, तेल, मसाले, फल हमारे भोजन के अंग हैं। ये सभी हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। अमरूद, सेब, आम, अनार, चीकू, अंगूर आदि फल भी पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। टमाटर, लौकी, जीरा, भिंडी, बैंगन आदि सब्जियां पौधों से प्राप्त होती हैं। हम तरह तरह का अनाज खाते हैं, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा आदि। ये अनाज भी हमें पौधे ही देते हैं। भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए हम तरह तरह के मसालों का उपयोग करते हैं, जैसे जीरा, मिर्च, हल्दी, लौंग, इलायची, तेजपत्ता आदि। ये सभी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। हरी सब्जियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती हैं। ये सब्जियां हमें पौधों से ही मिलती हैं। इस प्रकार पेड़ पौधे हमारे दैनिक जीवन के लिए आवश्यक हैं। पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है। लकड़ी से हम मेज, कुर्सी, पलंग, दरवाजे, खिड़कियां आदि बनाते हैं। यह सामान हमारे घर की शोभा बढ़ाता है और हमारे काम आता है। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि कपड़ा भी पेड़ पौधों से ही मिलता है? कपास के पौधे से रुई मिलती है, रुई से सूत बनता है और सूत से कपड़ा बुना जाता है। पेड़ पौधों से हमारी धरती का पर्यावरण अच्छा रहता है। ये दूषित वायु को ग्रहण करके हमें शुद्ध वायु देते हैं। ये प्रदूषण को भी दूर करते हैं। बच्चों, सोचो, यदि इस संसार में पेड़ पौधे न हो तो क्या होगा? यह संसार कैसा लगेगा? हम सभी का जीवन इन पेड़ पौधों से ही सुरक्षित है। इसलिए हमें अपने आसपास के किसी भी पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं।